नाम याद रखे दे रहा है। आज हम देखें ये जो समाज चल रहा है, नीम और यान लड़कियां, आदि नंग धड़ंग लड़कियां, और इनको हम पसंद करते हैं शादी के लिए। कोई क्या कपड़े पहनता है मैं उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ, ये उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, वो जो पहनना चाहे नीम और यान कपड़े पहने, वो उनका मसला है। लेकिन हमारा दीन हमसे क्या कह रहा है आप वो समझ लो। कंडीशन, नीम और यान कपड़े पहने हुए, चुपके चुपके मोबाइलों पर लड़कों से बात हो रही है, हाथों में हाथ डाल के घूमा जा रहा है, लड़कों की आंखों में आंखें डालकर बात करना, कैंटीन में बैठना ये एक आम बात है, और ऐसी लड़कियों को आप पसंद कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, और कर रहे हैं क्यों ना हो, चूंकि लड़के खुद वैसी बन चुके हैं ना। बेगैरत तो बेगैरती की तरफ जाएगा, गंदा इंसान तो गंदी चीज की तरफ जाएगा, अच्छा इंसान अच्छी चीज की तरफ जाएगा, बागैरत इंसान बागैरत चीज की तरफ। समझ रहे हैं बग? लेकिन लड़कों में हमारे पास एक बड़ा अजीम जज्बा है। जज्बा क्या है? अपने कॉलेज लाइफ में तो मैं दुनिया को साथ लेके घूमूंगा, लेकिन मेरी जो है बीवी किसी के साथ घूम के ना आई होंगी। अरे वाह, ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब देखिए ना, कॉलेज में अफेयर करूंगा, लड़कियों के साथ घूमूंगा, गर्लफ्रेंड्स रखूंगा, लेकिन जिससे मैं शादी करूंगा वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना, वो किसी के साथ घूमी भी नहीं होना। अरे वाह 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 वाह, मतलब अमेजिंग सिचुएशन हो रहा है ये। मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा, मैं नजरें नीची नहीं रखूंगा, मैं इस्लाम के मुताबिक कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन मेरी बीवी पूरे मुकम्मल बुरखे में होना, नजरें नीची होना, अरे कैसी कंडीशन से ही? मतलब ये हो गया कि या तो दीनी कंडीशंस पूरे उन पे लागू है, मुझ पे कुछ भी लागू नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आज हम देखते हैं बेहयाई बहुत आम हो चुकी है, तो अल्लाह फरमा रहा है बा हया हो, बा इफ्फत हो, साहिब ईमान हो, है ना, ये कंडीशन है।